क्या वैम्पायर डियर असलियत में होते हैं? पिशाच हिरण अथवा तो वैम्पायर डियर कोरिया और चीन में पाए जाते हैं। वैम्पायर डियर को वाटर डियर भी कहते हैं क्योंकि ये नदियों, नालों, दलदली भूमि, नदियों और पानी के अन्य स्रोतों के नज़दीक रहते हैं। वैम्पायर डियर ने सदियों से मनुष्य को मोहित किया है। ये इतने विचित्र लगते हैं कि बहुत से लोग जब पहली बार इन नुकीले और प्यारे मृगों की तस्वीर को देखते हैं तो वे विस्मित हो जाते हैं। जब आप इन्हें थोड़ा करीब से देखते हैं तो आप पाएंगे कि वैम्पायर डियर में उनके नुकीले दांतों और गोल कानों के अलावा और भी बहुत सारी विचित्रताएँ हैं, और ये इतने डरावने नहीं होते जितना कि लगते हैं। वैम्पायर डियर की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है और ये एक सेमी इंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में जाने जाते हैं। यदि आप प्रकृति के इन अजीब जीवों की जानकारी जानना चाहते हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट मनीषा मित्तल। तो चलिए वैम्पायर डियर के बारे में कुछ अनोखे विस्मयकारी तथ्यों से रूबरू होते हैं। वैम्पायर डियर अथवा पिशाच हिरण कैसा दिखता है? वैम्पायर डियर चार पैरों वाले मृग होते हैं जो दूर से एक साधारण हिरण की तरह ही दिखते हैं, लेकिन एक बार जब आप अपने बायनोक्यूलर्स की मैग्निफिकेशन को एडजस्ट कर लेते हैं तो उनके अंतर स्पष्ट हो जाएंगे। वैम्पायर डियर के सींग नहीं होते, न तो मेल डियर के और न ही फीमेल डियर के। उनके लैटिन नाम का हिंदी अनुवाद है वह मृग जिसके पास आत्मरक्षा के लिए कवच अथवा सींग नहीं होता। वैम्पायर डियर अपेक्षाकृत छोटे जानवर होते हैं और ये केवल 2 से 3 फीट लंबे होते हैं और इनके कंधों की ऊंचाई 18 से 22 इंच तक होती है। इनका शरीर सामान्य हिरणों की तुलना में मोटा और गठीला होता है। इनका वजन 20 से 21 पाउंड के बीच रहता है। वैम्पायर डियर की पिछली टांगें आगे की टांगों से अधिक लंबी और मजबूत होती हैं, इसलिए इनके कूल्हे कंधों की तुलना में ऊपर उठे हुए होते हैं। वैम्पायर डियर अथवा वाटर डियर के सामने के दांत उनके मुंह से बाहर निकले हुए होते हैं। मेल वैम्पायर डियर में दांत 7 से 8 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर औसतन 5 से 6 सेंटीमीटर तक होते हैं। फीमेल वैम्पायर डियर के दांत बहुत छोटे होते हैं, ये केवल 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इन दांतों को आमतौर पर फेंग्स अथवा टस्क कहा जाता है। वास्तव में ये दांत हाथी के दांत की तरह केवल उसके चेहरे पर ही दिखाई देते हैं। ये किसी प्रकार से वैम्पायर डियर के लिए कुछ भी चबाने खाने के काम नहीं आते। वैम्पायर डियर को वैम्पायर डियर या पिशाच हिरण क्यों कहते हैं? इसका सिंपल सा रीजन इसके नुकीले खतरनाक डरावने दांत हैं। वैम्पायर डियर मनुष्य का या किसी अन्य जानवर का खून इत्यादि नहीं पीता, न ही किसी को मारकर खाता है। वैम्पायर डियर एक पूर्ण रूप से शाकाहारी हिरण होता है। वैम्पायर डियर अपने इन दांतों का प्रयोग दूसरे हिरण को भगाने डराने के लिए करता है। जब यह दांत निकालकर दूसरे हिरणों को डराता है तब इसका चेहरा भयानक लगता है। इन दांतों से वैम्पायर डियर दूसरे डियर के शरीर में अपने दांत गड़ाकर घायल भी कर सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। वैम्पायर डियर मनुष्य के लिए खतरनाक नहीं होता, उल्टे मनुष्य ही वैम्पायर डियर के लिए खतरा है। मनुष्य वैम्पायर डियर को कस्तूरी मृग समझने की गलती कर बैठता है और इसे कस्तूरी के लालच में मार देता है, जो कि वैम्पायर डियर के पास होती ही नहीं। वैम्पायर डियर के वैम्पायर जैसे खतरनाक नुकीले दांत क्यों होते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसका सरल उत्तर ये है कि इसका उत्तर कोई नहीं जानता कि उसके ऐसे दांत क्यों होते हैं। वैम्पायर डियर शाकाहारी होते हैं, इसलिए उन्हें शिकार को चीरने के लिए अपने नुकीले दांतों की जरूरत नहीं होती, और ये शिकारियों का सामना करने की बजाय उनसे भागना पसंद करते हैं। इसलिए दांत आत्मरक्षात्मक हथियार ही नहीं है, ये वास्तव में केवल दूसरे वैम्पायर डियर के बीच प्रभुत्व की लड़ाई के लिए उपयोग किए जाते हैं।